ओरिजिन है, ओरिजिन पे एक एक वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इच वायर इज बी। एक एक वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितना है, बी है। देन फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन। द फर्स्ट ऑप्शंस आर 4b, सेकेंड ऑप्शंस आर रूट 2b, थर्ड ऑप्शंस आर 2√2b, फोर्थ ऑप्शंस आर 0। बोलो क्या क्या बाहर क्या तीव्रता इंटेंसिटी आउटवर्ड आई लिखा है, मतलब करंट आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है ना। समझने के लिए मैं आपको बताऊं कैसा होगा। ये ऐसा है, तो मान लो कि एक वायर है, ये भी एक वायर है, यहां पे भी एक वायर है ऐसे, और यहां पे भी क्या है वायर दिखा ले ना, और भी लंबा आएगा ऐसे, चार वायर दिखे, चारों का सेंटर ये दिखा, चारों का सेंटर ये। ये बोल रहा है करंट कहाँ, बाहर, मतलब सामने की ओर, समझ में आ रहा है। ये क्या बोल रहा है, करंट अंदर की ओर, मतलब ये भी क्या बोल रहा है, और ये सामने की, इस पॉइंट पे निकाल रहा है इसका मतलब। अगर इसका टॉप व्यू देखते हो तो आप अज्यूम करो ना, ऐसे करके देखो, यहां से एक वायर है, ये एक वायर है, ये एक वायर है, और ये एक वायर है, आप सेंटर पे हो। फर्क ये है ना कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसा फ्लो हो रहा है, फर्क ये है। अब टॉप व्यू देखो, आप सामने से देखो ऐसे करके, चार छड़ याद रखो, फोर्थ रॉड ले लो, चार रॉड ले लिए, चार रॉड में करंट कहाँ जा रहा है, इसमें अंदर, बाहर जा रहा है, इसमें कहाँ जा रहा है, इसमें कहाँ जा रहा है करंट, अंदर, इसमें भी अंदर, और इसमें क्या होगा, अब किसी के मुंह से आवाज नहीं आएगा, सब कुछ वो बोलेगी। चल सबसे फर्स्ट है ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन, क्या याद रखना है, देन द फर्स्ट ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन, सब में करंट सेम है, सब में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड सेम बनाएगा दो केसेस पे, मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा, सब में सेम बनाएगा दो केसेस में। B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4π, क्या होता है 4π आई बाई आर साइन थीटा 1 प्लस क्या होगा साइन थीटा 2। अगर एंगल सेम है, आई सेम है और आर सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम बनाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। सबका डिस्टेंस क्या बोला है, एक्स, सबका डिस्टेंस क्या है, एक्स, ठीक। आई सब में सेम है, सबका डिस्टेंस सब में क्या है, सेम है, समझ में आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो सब में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। नहीं समझ में आया, मत लिखो सेम, निकाल लो सेम। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या कितना बना रहा, बोल रहा बी बना रहा। चलो सबसे पहले वो एक रॉड याद रखो, रॉड किधर जा रहा है, ऐसे रॉड, रॉड ऐसे, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट किधर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट किधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर, ये सेंटर। चल करंट किधर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट किधर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, कौन सा एक्सिस है, इतना टाइम थोड़ा लगता है, बोल बोल, हाँ जल्दी खड़ी हो, किधर, दिमाग नहीं आता, काम नहीं करता यार, क्या नीट का एग्जाम दोगे तुम बताओ। करंट बाहर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, गधे टाइप का काम कर रहे हैं, बी वन नहीं दिखा क्या, फिर चल बोल,
अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट किधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, खड़ो मेरी बोल, करंट किधर फ्लो हो रहा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट किधर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, जैसे दिए वैसे रखना, अंदर ऑब्जर्वेशन पॉइंट किधर, इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, ऊपर। ये वन का था, ये टू का था, तो यहां पे क्या लिखूंगा, बी टू। ठीक, बैठो तीनों, पड़ोसनों खड़ा कर, चल थ्री का बता, इसको पूछा तो चल तू ही बता दे, थ्री का बता, करंट अंदर की, मेरे भैया इतना टाइम है मेरे पास, इतना टाइम है तुम्हारे पास, पिछली क्लास में बताया था, अभी पूछ रहा हूं तो नहीं बता रहे, जल्दी बोल, नहीं पता, करंट अंदर फ्लो है कि बाहर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट किधर, चल अंदर अपने अंगूठे को कर और सेंटर पे अपना उंगलियां कर, जल्दी कर ली, तू तो इधर दिखा रही पागल, दर्द है यार, पिक्चर बता यार, तुम बता, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, किस बेसिस पे बोल रही यार, करंट ऐसे जा रहा है कि ऐसे जा रहा है, तो मैं बोर्ड में करूंगा ऐसे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट किधर, इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, हद करते हो यार, बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, बता रहा हूँ सच में, ठीक है, नहीं है फिर, और फोर का तुम बताओ, फोर करंट किधर, पहले बता, महंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट किधर, नहीं दिखा, करंट किधर, अरे उस जगह पे लाके रखो ना, गधो, रखा, इस जगह पे कैसे रखूंगा, ये अंदर करूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा, इस जगह पे रखना है तो फिर अंदर करूंगा, अंदर करने के बाद फिर इधर ला दूंगा, तो किधर जा रहा, दिखा कि नहीं दिखा, तो इससे क्या हो गया, बिफोर, क्या हो गया, नहीं समझ में यार, एक का मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, तो मेरे को दिखा कि सबका डिस्टेंस सेम है, सबका क्या, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, होगा ना, फोर पाई आई एक्स, जो भी बन रहा होगा, सबका मैग्नेटिक फील्ड क्या बोला है, वो बी बोला है, क्या बोला है, बी, तो मेरे पास ऐसा करके निकल गया, निकल गया ना, इस डायरेक्शन में दो मैग्नेटिक फील्ड है, बी वन प्लस क्या है, इस डायरेक्शन में दो मैग्नेटिक फील्ड है, बी टू और क्या होगा, बी फोर, नहीं आया, तो मुझे मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट निकालना, रिजल्टेंट निकालने का तरीका आपको पता होगा, अगर 11th मैकेनिक्स तो चल ही रहा ना अभी तुमने उनका, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट B1 प्लस B2 का होल स्क्वायर B3 प्लस B, B इज इक्वल टू BB, क्योंकि सबको मैं क्या लेके चल रहा हूँ, B, क्योंकि b गिवन है क्वेश्चन में, फिर क्या होगा, ये भी b और ये b, तो क्या होगा, 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर तो 8b स्क्वायर, 8 को लिख सकता हूँ 2 रूट 2, और b स्क्वायर का क्या होगा, b ऑप्शन नंबर c, नहीं समझ में, नहीं आ देवेंद, मिटा दे भाई, लिख ले, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी ले लो, या डी ले लो तो भी चलेगा, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाएगा, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है, और ये वायर है, आई करेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसको डी ले लो, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इस पर बना लोगे तो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, ठीक है ना, और ये जो ये इंटर्ड क्वेश्चन है जेई मेन्स और एडवांस के लिए, सुन लो पहले मेरी बात, और जो पीछे दो लाइन जो बैठे हैं ना, ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, क्योंकि लेट आया, इसी से आपको हिंट मिल गया, ठीक है, ओके करिए।
मैं डी के फॉर्म में ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। किसके फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूँ? डी के फॉर्म में, ताकि आपको वैल्यूज याद है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए, ठीक है ना। सबसे पहला चीज, डी को मैं डिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं? परपेंडिकुलर। वायर कहाँ तक आ रहा पता नहीं है, मैं इसको पीछे ला दिया, पीछे लाऊंगा ना तभी तो ये इसमें परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे डी ये था, अभी बन गया डी कौन, ये कैसे बन जाएगा? नहीं बनेगा। यहां पे 90, ठीक, खड़ी बीच में, बीच में यहां 37 या 90, तो यहां कितना, यहां कितना होगा? 37। वेरी गुड। नहीं पता यार, नहीं पढ़ाया हूं क्या? 37 प्लस 53 कितना होता है? 180। 90 प्लस 91, अगर ये 37 ये 90 तो ये 53, ये 90 तो ये 37, अगर ये 37 तो ये D तो होगा, लेकिन D के साथ क्या होगा? cos 37। नहीं पता है क्या? नहीं जानते हैं क्या? नहीं जानती है? कैसे जानती है? ऐसे जानती है ना, अगर ये थीटा है और ये D है तो ये D के साथ क्या होगा? cos, जहाँ एंगल कनेक्ट होगा वो D cos थीटा होगा, यहाँ से फिर ऐसे लूंगा ना तो D sin थीटा होगा। क्लियर? जहाँ एंगल कनेक्ट होता है वो D cos थीटा। मुझे जो डिस्टेंस चाहिए था वो मिल गया, डिस्टेंस मिल गया। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? अल्फा थीटा वन और क्या चाहिए? थीटा टू। तुम खड़ी हो बता, थीटा वन कितना है? जो आर था, आर के जगह पे डी कॉस 37, आर डी कॉस 37 का वैल्यू 3/3, जो भी बोलते उसका अपोजिट लेना। नहीं समझ में? क्यों सो छोड़ ना भाई, समझ में आ गया ना? कितने बार बताऊंगा, ये उल्टे ही बोलेंगे, लो उल्टे ही एग्जाम में भी उल्टे ही रख के आएंगे, वाट लगा देंगे, फिर से पनिशमेंट करवाता हूँ तुमको। चल बोल, एंगल थीटा वन, थीटा टू, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, ठीक है। अब अगर इसको देख रही है ना तो उसको मैं कुछ और तरीके से दिखा रहा हूँ। देख, आज जो देखी थी कॉपी, अगर गलती से भी किसी खुला ना मैं बाहर कर दूंगा। ऐसा देखी थी, यहाँ अल्फा था, हाँ अल्फा, ये 37 है, दिखा नहीं दिखा? ऐसा करो, सीधा तो किया हो यार, लेकिन वायर तो ये है, बीटा पे यहाँ खत्म हो रहा था, लेकिन तो खत्म होने का नाम ही नहीं रहा, क्यों कहाँ तक जा रहा? तो भैया इन्फिनिटी तक जाके आके मिलेगा, तो हमेशा कितना बनाता है? 90। नहीं समझ में आया? तो थीटा वन का वैल्यू होगा -37, बोला था थीटा हमेशा क्या लेना, माइनस लेना, और बड़ा, और डायरेक्शन बेसिस पे निकाल भी सकता हूँ, ये क्या होगा? 90। अगर तेरे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, जो भी क्वेश्चन जहाँ से भी देगा ना, सारा क्वेश्चन आ गया, ठीक। फार्मूला क्या था? म्यू नॉट अपॉन फोर पर हुआ आई, चल रहा आर 4d/5, नहीं यार, उसके बाद क्या होगा? साइन 90 माइनस साइन, मैं डायरेक्ट कर दिया, माइनस को सामने ला, ठीक है। तो म्यू नॉट बाई क्या होगा? 4 पाई, आई बाई 5 i/5 क्या होगा? 4d, साइन 91, साइन 37, 3/5, नहीं आया? चलो तो फाइनली क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4π/5 i/4d 2/5। अब जो करना कर दो, 5 कैंसिल, 2 कैंसिल, म्यू नॉट आई यहाँ पे क्या हो गया? 2 8 5 डी। नहीं समझ में आया? बनेगा ऐसे क्वेश्चन? नहीं बनेगा ऐसे क्वेश्चन? कॉन्सेप्ट होगा क्लियर? बना ले जल्दी भाई। 45 डिग्री डी डिस्टेंस, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है ना, इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना, करंट, अब समझ में तो आ गया होगा। तो इसमें आपको डायरेक्शन भी बताना है, क्या बताना? डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आएगा,
ये 45, ये 90, तो ये भी क्या होगा, तो वो 45, ये 90, तो ये भी क्या होगा, ये 45, तो ये डी क्या होगा, कॉस 45, कॉस 45 का वैल्यू रूट टू, तो 1/√2 आगे इसका वैल्यू। अब दो डिस्टेंसेस लेंगे, ये होगा थीटा 1, तो दूसरा कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा, तो ये होगा 90। तो फर्स्ट जो थीटा 1 निकलेगा वो कितना होगा, 45 माइनस 1, थीटा 2 का वैल्यू क्या होगा, 90। तो म्यू नॉट अपॉन क्या होगा, 4π आई अपॉन डी अपॉन रूट 2 साइन 90 माइनस साइन 45। किए थे सब, नहीं किए थे, चलो म्यू नॉट अपॉन 4π ठीक है, सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 1.414 माइनस 1 तो 0.414। यही वाला बता रही थी क्या सुमिता, तुम क्या बता रही थी, यही बता रही थी, यही आंसर बता रही थी, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, अब लेवल थोड़ा सा हाई कर रहा हूँ भाई यार, क्वेश्चन इधर इधर एक्स इधर वाई इधर जेड मत करना, इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, सिर्फ इसको ध्यान रखना, ठीक है ना, जब भी बोलूँगा ना तो समझ जाना कि यही 3D है, सारे क्वेश्चन इसी से बनेंगे, क्लियर मेरी बात। एक को एक्स ले लेना, वाई ले लेना, जेड ले लेना। अब डायरेक्शन बेसिस पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक लेवल हाई है, अगर एम्स टारगेट है तो क्वेश्चन आपके लिए एम्स वाले, ठीक है ना, अगर यही अगर नीट वगैरह लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो सिंपल लिखना नहीं मारता, पहले क्वेश्चन तो समझ ले, समझ भी नहीं आएगा तो बनाएगी क्या। एक वायर ऐसे जा रहा वाई एक्सिस के अलोंग, वायर जा नहीं रहा, वायर वैसे ही है लेकिन इन्फिनेटली लॉन्ग है, इन्फिनिटी लॉन्ग बताया था लास्ट क्लास में कैसा होता है पता है। और एक वायर ऐसा है, एक वाई एक्सिस में दूसरा जेड एक्सिस में, एक वाई में है एक जेड में है, एक्स में एक पॉइंट है जहां पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस नहीं दिया, लेकिन 2.00 दे दिया उसका पॉइंट पोजिशन, क्या दिया उसका लोकेशन दे दिया, ठीक है ना। तो डायरेक्शन के साथ निकालते हैं जब एक्सिस आता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोग आसपास बना सकते हैं, करियो। सबसे पहला काम ध्यान रखना, जो एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो इसके लिए अगर मान लो साइड ए है ना तो ए 0 0 होगा, और अगर वाई के लिए भी साइड अगर ए है ना तो 0 a 0 होगा, और इसके लिए क्या होगा 0 0 a होगा, मेरी बात समझ में आ रहा है। तो ये जो a होता है ना यहाँ से अंदर का डिस्टेंस बताता है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, अंतःकरण। तो यहाँ से अंतःकरण का डिस्टेंस कितना है 2, क्वेश्चन गिवन नहीं। अब मैं एक एक को अलग अलग करके सेपरेट सॉल्व करूँगा, ठीक। तो सबसे पहले फॉर वाई एक्सिस, किसके लिए बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए अगर बात करूँ तो वाई में करंट कैसे फ्लो हो रहा है ऐसे, सबसे पहला बत्ती जला कि इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी पे खत्म होता है, समझ में। तो एक बात आप रट लें क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई बाई आर साइन 90 90, क्योंकि इन्फिनिटी में 90 90 बनाता है, तो साइन 90 91, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2i बाई 4πr, काट दो तो म्यू नॉट आई बाई क्या होगा 2πr, ये याद रहेगा नहीं रहेगा? तो ये भी इन्फिनिटी वाला, तो दिमाग की बत्ती पहले जल गई कि कैसी होगी ये इस पॉइंट। देखो मैं आपको बताता हूँ तरीका, कोई भी ये ले लो, इसको x ले लो, सॉरी इसको क्या ले लो, y ले लो, ये क्या ले लिया, x ले लिया, लंबा दूरी पे है, यस लंबा दूरी पे, इसको भूल जाओ ठीक है ना, लंबा दूरी पे है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा इस पॉइंट पे, तो यहाँ से अंतर का डिस्टेंस 2 है, तो मैग्नेटिक फील्ड बना फर्स्ट के लिए y एक्सिस वाला निकाला ना, तो इसको 1 ले लिया, क्या ले लिया 1, इसके लिए क्या था म्यू नॉट आई चल रहा है ना i, साथ में 2πi, और यहाँ से अंतर का r की जगह पे फिर से क्या चल रहा है 2, तो म्यू नॉट आई बाई क्या होगा 4πi आया, लेकिन डायरेक्शन ऑफ द करंट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ना। तो देखो अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना ठीक है ना, करंट इधर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, किसके अपोजिट है मैग्नेटिक फील्ड, जेड के अपोजिट है ना, तो याद रखना डायरेक्शन फैक्टर में वेक्टर अगर पढ़े होंगे आप, तो ये आई होता है, ये जे होता है और एक के होता है, लेकिन अगर सामने जाएगा तो प्लस के और इसी के पीछे जाएगा तो माइनस के, तो ये आ गया माइनस की के, नहीं समझ में आया, पक्का आ गया नहीं आया देवेंद्र? अब इसकी बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, किसकी बात करो, इसको क्या, इसको मैं सीधा कर दूं, ये ऐसा था ना ऐसा सीधा कर दिया, अंदर सेट कौन हो गया भाई, ये वाई है, ये एक्स है, ये जेड है, मैं डायग्राम समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, तो मैं क्या किया, जो जेड है उसको सीधा कर दिया ठीक है, समझ में, या सीधा कर दिया या उल्टा कर दिया, करंट इधर आ रहा है ना, तो ये ऐसे करूँगा तो करंट ऊपर जाएगा, ध्यान रखना कन्फ्यूज़ नहीं होना कि करंट तो नीचे आ रहा है सर ऊपर कैसे कर दिए, इधर आ रहा है करंट, इधर जा रहा है करंट, ऊपर कर दूंगा तो करंट ऊपर, नीचे कर दूंगा तो करंट नीचे, समझ में आया ना, उंगली के बाहर आ रहा है, तो मैं कहाँ कर दिया, ऊपर कर दिया, जब ऊपर कर दूंगा मैं तो कैसा हो गया, ऐसे फिर से इन्फिनिटी से करंट अप 2i हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पर निकालना, अभी भी अगर ऊपर करिए तो 90 डिग्री पे है कि नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे, तो बी टू इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट हो गया, आई के जगह पे क्या लिखूंगा 2i हुआ, यहाँ से अंदर का डिस्टेंस 2πi, फिर से 2 नहीं आया, लेकिन डायरेक्शन ऑफ द करंट y x z कैसे कर दिया, कैसे किया, ऐसे कर दिया, करंट किधर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट किधर, इधर ना, तो करंट का डायरेक्शन किधर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, जल्दी बोल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोल, नहीं आता क्या, पागल है, करंट किधर, ऑब्जर्वेशन किधर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर की बाहर, अंदर की बाहर, अंदर ना यार, पाम रूल, करंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, अंदर कौन है, प्लस था कि माइनस था उसका, वो वाई था, प्लस नहीं था, नहीं समझ में आया, तो जे प्लस आया, नहीं समझ में आया, कई लोगों का यहाँ पे बत्ती गुल हो जाता है कि जे प्लस में क्यों लिए, माइनस क्यों नहीं लिए, यही तो था यार, जे तो इसमें रहेगा तो प्लस में रहेगा, ऐसे कर दूंगा तो जे अंदर हो गया, और मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी किधर आ रहा, कैसे पता चला अंदर आ रहा, करंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट नीचे फ्लो होता, मैग्नेटिक फील्ड इधर होता, तो जे होता तो माइनस जे यूज करो, नहीं आया ना, थोड़ा सा हाई लेवल वाली बात है, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात, बी वन प्लस क्या होगा बी टू, दोनों में क्या कॉमन, म्यू नॉट आई आई टू पाई फोर पाई है ना, और साथ में क्या सब कॉमन हो गया ना, तो ये होगा 2j माइनस के, 2j साथ में क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या डायरेक्ट, लेकिन ऐसे केस में ना ए नहीं दिखाई देगा, कई बार जे में जब एक ऐसा सब क्वेश्चन आएगा ना तो ये दिखाई नहीं देगा, तो उस समय क्या करेंगे, उस समय कुछ नहीं करना, मैग्नीट्यूड निकाल लेना, मतलब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते पता, वेक्टर का मॉड लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, मॉड, मॉड लगाएंगे तो क्या होगा, ये तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा जैसे का वैसे, मॉड लगाएंगे तो आई के साथ जे के साथ कितना है 2,
मतलब मॉड कैसे लगाते हैं, जो भी रहेगा फैक्टर उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, चार एक पाँच, तो रूट फाइव म्यू नॉट आई फोर पाए, आंसर ऐसा दिखाई देगा। नहीं है समझ में, टफ है कॉन्सेप्ट, क्लियर है? चलो नोट करो, दो चार वेरी